आज का बच्चे लोग हर साल वर्ल्ड फार्मेसी मनाते हैं। 12 से वर्ल्ड फार्मेसी डे था 25 सितंबर, इसीलिए आज भी हम लोग 25 सितंबर फार्मेसी कॉलेज है हमारा, बी फार्म एंड डी फार्म के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फार्मेसी। सर कितने बच्चे यहाँ तालीम ले रहे होंगे? सेकेंड ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के भी फार्मी है, फर्स्ट ईयर 120 और सेकेंड ईयर 120, यानी 247 बच्चे अच्छे बच्चे। कैसे नाम है आपका? मिस मोहित का नाम है, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। हाँ प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब जाएगा साहब है ना। देखा जाता है आमतौर पर जो लोग हैं, जो भी दवा दुकान है, खड़ा निकल के ये डिग्री को चलाते थे। क्या इस कॉलेज के खुलने से अब दवा दुकानदार के पास उनका डिग्री है? सबसे पहले तो हमारे इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पे आप सभी प्रेस और मीडिया वालों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने बहुत अच्छा जो कि सवाल आपने किया कि आज के डेट में फार्मासिस्ट के लिए लाइसेंस जो है, दुकान के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। देखिए फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है मेडिकल साइंस का कि लाइसेंस तो हमेशा चाहिए था उनको, लेकिन इंडिया में हम लोग वर्ल्ड फार्मेसी डे पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 1945 में ड्रग एक्ट जब आया है, जब संविधान का एक पार्ट है ड्रग एक्ट, कोई भी मेडिसिन विदाउट डिजीज का आप सेल्फ मेडिकेशन कर नहीं सकते हैं और बिना लाइसेंस का आप कोई दवा बेच नहीं सकते हैं विदाउट आपका लाइसेंस का। तो ये चीज़ शुरू से ही था सरकार की तरफ से, संविधान में हमारा एक आर्टिकल इसमें है ऑलरेडी, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा था। लेकिन अब जो है संविधान को फॉलो करते हुए जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट लाया गया है कि जो भी दवाई मार्केट में जा रहा है या पेशेंट तक पहुँच रहा है, वो चीज़ प्रॉपर वे में पहुँचना चाहिए। तो एक स्ट्रेंड एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। तो वो ट्रेंड पर्सन कौन होगा? वो फार्मासिस्ट होता है। जैसे एक जैसा मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स क्या होते हैं, डायग्नोस करते हैं। आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, जब यूएस यूके यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर पेशेंट से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोस करते हैं कि आपको कौन सी डिजीज़ है, फिर उसके बाद वो आगे प्रिस्क्रिप्शन बढ़ा देते हैं फार्मासिस्ट के पास में। फार्मासिस्ट उसमें क्या करते हैं, एक राइट डोज राइट टाइम और राइट वे किस तरीके से लेना है, तो इसके तहत में ये फार्मासिस्ट स्किल फार्मासिस्ट जो ट्रेंड पर्सन होते हैं वो देते हैं किसको, पेशेंट को दिया जाता है। तो इसमें जो है अभी काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से पहल है कि कोई भी दवाई दुकान बिना लाइसेंस के, लाइसेंस मीन्स फार्मासिस्ट के लाइसेंस के आप ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर वैसे दुकान बिना लाइसेंस का अगर ओपन हो रहा है तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर जो है, हमारे ड्रग कंट्रोलर जो है, उस पर जाँच करेंगे और उसके तहत कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जहांगीर आलम, रेडिएंट प्रिंसिपल।